हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह का जन्मदिन 27 जनवरी को ताजाबाद सहित पूरे शहर में सादगी के साथ मनाया जाता है। बाबा के दरबार में मत्था टेकने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब हर साल उमड़ पड़ता है। ताजाबाद परिसर आकर्षक रोशनाई से जगमगा उठता है। विभिन्न संस्था संगठनों की ओर से बाबा के जन्मदिन पर केक काटा जाता है और लंगर का आयोजन भी किया जाता है। ताजुद्दीन बाबा के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। कई जानकार बताते हैं कि हजरत बाबा ताजुद्दीन का जन्म 1861 में हजरत इमाम हसन के परिवार में हुआ था, जो विश्व सूफी नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी की 10वीं पीढ़ी के वंशज और 22वीं पीढ़ी के वंशज थे। 11वें इमाम हसन अल अक्सरी बाबा के पूर्वज मक्का शरीफ से आकर भारत के मद्रास में बस गए थे और उनके पिता का नाम सैयद बद्रुद्दीन था, जो सेना मद्रास प्लाटून में सूबेदार थे और कामठी में रहते थे। उन्होंने शेख मीरान साहब की बेटी मरियम बी से शादी की। वह लगभग एक वर्ष के थे जब उनके पिता का निधन हो गया और जब वह केवल 9 वर्ष के थे तब उनकी माँ का भी निधन हो गया। उनकी देखभाल का जिम्मा उनकी दादी और मामा अब्दुल रहमान ने उठाया था। 20 साल की उम्र में 1881 में वह एक सिपाही के रूप में नागपुर आर्मी रेजिमेंट में शामिल हो गए। तब वह सेना के दिन प्रतिदिन के कामकाज में अपना वक्त बिताने लगे। इस रेजिमेंट को सागर में तैनात किए जाने के बाद बाबा ने अपना अधिकांश समय सागर के एक बहुत प्रसिद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति हजरत बोध साहब के साथ बिताया। इस प्रकार से हजरत बोध साहब हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह के आध्यात्मिक गुरु बन गए। हजरत बोध साहब के साथ अधिक से अधिक समय बिताने के कारण उनका आधिकारिक कार्य प्रभावित हुआ और अंततः उन्होंने स्वतंत्र होने के लिए आर्मी के नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हजरत बाबा ताजुद्दीन दुनिया की पूर्ण विस्मृति की स्थिति में बने रहे, लेकिन लोग आमतौर पर उन्हें पागल समझते थे। बच्चे उनके चारों ओर इकट्ठा होते थे और उन पर पत्थर फेंकते थे, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराते रहते थे और कभी भी उनसे नाराज नहीं होते थे। हजरत बाबा ताजुद्दीन पुलों के नीचे और खंडरों में रहते थे। उन्हें धूप और बारिश की कोई परवाह नहीं थी। जब बारिश होती तो वह किसी न किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे। वह ज्यादा खाते पीते भी नहीं थे। जब कोई उन्हें खाने को देता तो वह उसे सड़क के आवारा कुत्तों को देते थे। थोड़े ही समय में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अध्यात्म की परम सीमा पर पहुंच गए और उनके माध्यम से चमत्कार की घटनाएं सामने आने लगी। ताजुद्दीन बाबा की चमत्कारी शक्तियों की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और भीड़ हमेशा उनके आसपास जमा रहती थी। लोग अपनी हर इच्छा और महत्वपूर्ण काम के लिए उनका आशीर्वाद मांगते थे। इस तरह नागपुर में बड़ा ताजबाग और छोटा ताजबाग के नाम से दो दरगाह उनकी याद में बने हैं, जहां लोग जाकर ताजुद्दीन बाबा को अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। आप सभी को BCN की ओर से हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। NBCN न्यूज के लिए प्रकाश श्रृंखला की रिपोर्ट।